10 कड़वी पर सच्ची बातें। नंबर 1 दोस्तों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, कमजोर जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो वो बहुत बड़े बड़े ताकतवर को भी तबाह कर देता है। नंबर 2, एक बार पत्नी ने पति से पूछा कि आप अपनी माँ और मेरे में किसे चुनेंगे आप? ये संदेश स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने पत्नी के लिए अपने माँ को छोड़ देते हैं। पति ने कहा माँ को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल मेरा बेटा अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ को छोड़ दे। बात अगर अच्छे से समझ आई हो तो कमेंट में ये जरूर लिखना। नंबर 3 दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जरूरी नहीं कि कभी कुछ गलत करने पर ही दुख मिले? कभी कभी हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ जाती है। नंबर 4 दोस्तों, इस तस्वीर को ध्यान से देखना और इस तस्वीर के बारे में जो बताया गया उस पर विचार करना, ये बात सही है या गलत, ऐसा होना चाहिए था या फिर नहीं। राख के कई परतों के नीचे तक देखा लेकिन अफसोस, वो गुरूर, वो रुतबा और वो पद कहीं भी नजर नहीं आया जो कि सारी उम्र से ओढ़े बैठे थे। नंबर 5 दोस्तों, दौलत कमाएं लेकिन साथ में अपने बच्चों को संस्कार भी दें। कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी तबीयत बिगड़ जाने पर बच्चे डॉक्टर के बजाय वकील को बुला लाए। नंबर 6 किसी ने क्या खूब कहा है कि गलत व्यक्ति चाहे कितना भी मीठा बोल ले लेकिन आपके लिए एक दिन बीमारी बन ही जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना ही कड़वा क्यों ना बोले एक दिन औषधि बन के काम जरूर आएगा। नंबर 7 दोस्तों, इस बात के लिए आपकी राय जानना चाहता हूँ, आप कमेंट करके जरूर बताना। किसी ने कहा है क्यों ना अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम को एक साथ मिला दिया जाए जिससे अनाथ बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे और वृद्ध लोगों को बच्चे मिल जाएंगे। नंबर 8 दोस्तों, इस बात को सुनने से ज्यादा महसूस करना हम सबके बहुत काम आएंगे। आज से ही सबकी कदर करना सीख लो क्योंकि ना ही जिंदगी वापिस आती है ना जिंदगी से जाने वाले लोग। आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे अपनी औकात का पता है। मेरी औकात अंत में एक सफेद चादर की रहेगी जिसको ओढ़ने की भी ताकत मुझ में नहीं बचेगी, असलियत तो यही है। नंबर 9 बात कड़वी है पर है सच्ची, जब चलना नहीं आता था तो लोग गिरने नहीं देते थे लेकिन जब चलना सीख गए तो लोग गिराने में लगा है, यही है हर किसी की जीवन की असली सच्चाई। नंबर 10 एक बार दरिया ने झरने से पूछा तुझे समुंदर नहीं बनना क्या, तो झरना ने बड़ी नम्रता से कहा बड़ा होकर खड़ा हो जाने से बेहतर है कि मैं छोटा रहकर मीठा ही रहूं। दोस्तों मेरा तो सभी से एक ही कहना है, क्यों ना थोड़ा अलग बने, खुश रहने की सलाह ना देकर खुश रहने की वजह बने। दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि कौन कौन ये सब बात फॉलो करने वाला है।